दोस्तों पिछले 2 साल ने लोगों के बिजनेस को देखने और उसको करने में काफी इफेक्ट किया है। रिटेलर्स धीरे धीरे ऑनलाइन आने लगे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के थ्रू हो या फिर सोशल कॉमर्स के थ्रू, बिकॉज आज की डेट में सिर्फ रिटेल शॉप से काम नहीं चलने वाला। अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है, और आज इस वीडियो में हम सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स दोनों की ही बात करेंगे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फर्क है, दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों के प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या आपको सोशल कॉमर्स पे जाना चाहिए या फिर ई कॉमर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार गौर और आप देख रहे हैं टेक विद केजीएस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों सोशल कॉमर्स बेसिकली बिजनेस करने का वो ऑनलाइन तरीका है जिसमें बायर और सेलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करते हैं और वहीं पर डिसीजन लेते हैं खरीदने और बेचने का। वहीं अगर ई कॉमर्स की बात करी जाए तो इसमें बायर ऑनलाइन पोर्टल पे विजिट करता है, वहां पे अवेलेबल डिजिटल कैटलॉग को देखता है और वहां पर अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपना परचेज डिसीजन लेता है और परचेज करता है। दोस्तों दोनों ही अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले हम ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील वगैरह वगैरह, इन सब पे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको कस्टमर बेस बहुत बड़ा मिलता है, जितने भी डिलीवरीज हैं, पिकअप हैं, वो सब कुछ वो प्लेटफॉर्म मैनेज करता है। मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। कस्टमर की कोई क्वेरी आपको हैंडल नहीं करनी होती है, वो भी इनफैक्ट वही पोर्टल ही मैनेज करता है। और ई कॉमर्स की जो सबसे खास बात है दोस्तों, उस पे कस्टमर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेता है, बिकॉज ये काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अब हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों बेसिकली ई कॉमर्स पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको विजिबिलिटी दिलाने के लिए मार्केटिंग में काफी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो इनके इनबिल्ट टूल्स होते हैं वो कई बार काफी एक्सपेंसिव होते हैं। पॉलिसीज में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी पॉलिसीज उस पोर्टल की हैं वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। आपके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको इन प्लेटफॉर्म को भी देना पड़ता है। अब समझ लेते हैं सोशल कॉमर्स के क्या फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, सोशल कॉमर्स में आपको मार्केटिंग के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती है, आपको खुद मेहनत करनी होती है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। इसमें आप अपनी पॉलिसीज खुद डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपके समझ में आता है, जो आपके बिजनेस के लिए सही है, वो पॉलिसी आप खुद सेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी सेल्स में से, आपके प्रॉफिट में से कुछ भी हिस्सा किसी प्लेटफॉर्म को कोई एज ए फीस नहीं देनी होती है। जो भी प्रॉफिट होता है वो सब आपका होता है। आप फ्री होते हो कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आप वीडियोस, फोटोज या कोई भी क्रिएटिव पोस्ट बना करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं आपको मार्केटिंग करने के लिए। अब सोशल कॉमर्स के कॉन्स को भी समझ लेते हैं। दोस्तों इनिशियली जो आपका कस्टमर बेस है वो काफी छोटा होता है। इनिशियली आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, इनफैक्ट जो भी रिलेटिव हैं, बस वही आपका कस्टमर बेस होता है। डिलीवरी पिकअप वगैरह आपको खुद मैनेज करने पड़ते हैं, कस्टमर की भी क्वेरीज आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनिशियली काफी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज आपको कस्टमर बेस बढ़ाना होता है तो आपकी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गेन करने में काफी टाइम लग जाता है, बिकॉज ये जो सोशल कॉमर्स है वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए। तो अब जान लेते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अबाउट द ई कॉमर्स एंड सोशल कॉमर्स। दोस्तों दोनों ही इंडस्ट्रीज काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इनफैक्ट इस कोविड की वजह से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों ई कॉमर्स की जो प्रेजेंट जीएमवी है, जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, वो करीबन $80 बिलियन की है। वहीं अगर सोशल कॉमर्स की बात करूं तो इसकी जो जीएमवी है, जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, वो करीबन 1.5 से 2 बिलियन के आसपास है। और ऐसी प्रेडिक्शंस है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2025 में जो ई कॉमर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो करीबन $180 बिलियन की हो सकती है। वहीं अगर सोशल कॉमर्स की बात करूं तो इसकी जो जीएमवी है, जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, वो $16 बिलियन तक टच कर सकती है। दोस्तों नंबर बेशक आपको ई कॉमर्स के ज्यादा लग रहे होंगे, बट अगर परसेंटेज वाइज और मार्केट वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको ई कॉमर्स में आपको 225% ग्रोथ मिल सकती है, और जो सोशल कॉमर्स है उसको अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो करीबन 800% की ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इंटरनेट अब किसी
बेसिकली प्रिविलेज नहीं रहा है, ये आज की डेट में हर किसी के लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट आज की डेट में सबके पास है और वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर ऑफ इंटरनेट, और इसमें से सिर्फ 8-10% लोग ही हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जस्ट इमेजिन, अभी 90% लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग सीख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना। सो पोटेंशियल बहुत है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। दोस्तों, इन माय ओपिनियन, अगर आप इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके प्रोडक्ट में दम है, आप मार्केटिंग के लिए टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो आपको सोशल कॉमर्स जरूर अपनाना चाहिए। इसमें पोटेंशियल बहुत है दोस्तों, और साथ ही साथ ई कॉमर्स के कंपैरिजन में पर सेल्स आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। बट दोस्तों, अगर आपके ऊपर लोड काफी है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना टफ लगता है, और आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, और इसके लिए अगर आप कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देते भी हैं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप ई कॉमर्स में भी जा सकते हैं। बट दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है, आपको मैंने दोनों के बारे में बता दिया है, आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।